हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी लेके आया हूँ, इसको आप ट्रेन में, बाहर ठेले में बहुत खाए होंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसको बना के देखे और इसको खाए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का हमारा झालमुड़ी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन, और बर्तन में लेंगे मुरमुरा। आप जितना मेंबर के लिए बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप मुरमुरा को ले। मैंने यहाँ पे 2 जन के खाने के हिसाब से मुरमुरा को लिया है। अभी हम सबसे पहले मुरमुरा में डालेंगे मिक्सचर, ये थोड़ा स्पाइसी मिक्सचर है। और मिक्सचर को डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे मूंगफली का बीज, इसको हमने फ्राई कर लिया था। अभी हम इसमें डालेंगे सेव का भुजिया। इन सबको डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, और धनिया पत्ती भी है लेकिन धनिया पत्ती को बाद में डालेंगे। पहले हम इसमें डाल देते हैं प्याज। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें अचार का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सरसों का तेल अच्छा लगता है इसीलिए मैंने सरसों का तेल डाला। अब तेल को डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नमक का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मिक्सचर में पहले से नमक होता है। ये देखिए, यह है नारियल। नारियल को हमने छोटा छोटा करके इसमें डाल दिया। अरे, थोड़ा सा ग्रीन धनिया पत्ता, इसको डालने के बाद इसको भी हम इसमें मिला लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स होकर रेडी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसको एक कटोरा में सर्व कर सकते हैं। हमने इसको बाहर जो ठेले में मिलती है ठोंगा, बस उसी में ही सर्व किया है। अभी हम इसको एक दूसरे बर्तन में, कटोरा में भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा झालमुड़ी बन के पूरी तरह से रेडी है। अभी हम इसको नारियल के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने इसको गार्निश कर लिया। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। दोस्तों, आज का ये मेरा झालमुड़ी का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।